बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का लाइव जीवन उत्साह न्यूज पर। और एक और आज ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके बीच में, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल ब्रेकिंग न्यूज क्या हो सकती है। ब्रेकिंग न्यूज तो केवल कोरोना के मामले ही हो सकते हैं, और खुशी के लिए तो हम तरस गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत सारी जगह पर रात को ये पता लगा कि बिझड़ में जो कोरोना का संक्रमित मामला आया है, उसके संग जो साथ में लिए गए, उसके संपर्क में जो आए गए लोगों के सैंपल लिए गए हैं, वो नेगेटिव हैं। पहले तो मैं इस बात को लेकर कहना चाहूंगा कि ये खबर पूर्णतया सही नहीं है, अभी वहां की रिपोर्ट्स ही नहीं आई हैं। जैसे कि ये पुष्टि की है बीएमओ नरेश कुमार जी ने बड़सर से, उन्होंने कहा है कि अभी उनके संपर्क के जो सैंपल्स हैं वो नहीं आए हैं, और यदि कुछ आए भी हैं तो वह अभी फर्स्ट प्राइमरी कांटेक्ट नहीं है। बहरहाल अभी बिझड़ के साथ साथ में, जैसे कि कल आपने देखा कि कांगड़ा में एक और केस आया जो बिझड़ से ही संपर्क करता था, लेकिन आज सुबह फिर झटका लगा हिमाचल प्रदेश को, और हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में भी दो केस सुबह सुबह ही पॉजिटिव पाए गए। लेकिन अब एक बड़ी खबर आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूं कि कांगड़ा में एक और केस अभी आधे घंटा पहले पुष्टि की गई है कोरोना पॉजिटिव की। जी हाँ, अभी एक और केस कांगड़ा में आ गया है, और ये जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इससे प्रदेश की चिंता और बढ़ती जा रही है। अब जैसे कि ये बात चल रही है कि कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी पुष्टि के लिए मैं हमारे बीच में हमारे सहयोगी दिनेश जी जल्दी ही आपके बीच में आएंगे, उनको मैं लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश सरकार जिस तरह से दुकानों को खोलने का समय बढ़ा रही है, इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इस बात के लिए तैयार हो रही है कि अब हमें इस लड़ाई को लंबा लड़ना पड़ेगा, और ऐसे हम केवल दुकानों को बंद करके लॉकडाउन चालू करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए शायद प्रदेश सरकार इसको लेकर थोड़ा सा लोगों का मानसिक रूप से तैयार भी कर रही है। लेकिन अब ये जो बात यहाँ आ रही है, ये जो संपर्क कहाँ से है, कैसे ये रोगी कहाँ से आया, ये सारी बात हम आपके बीच में लेकर चलेंगे। कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप न्यूज़ को शेयर कीजिए पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि लोग जो हैं वो इस सब चीजों को लेकर आ सकें कि ये जो कांगड़ा में एक और केस आया है इसका कनेक्शन क्या है। जल्दी मैं आपको लेकर आऊंगा, हमारे सहयोगी जो वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं पूरी, किस तरह से ये पेशेंट आया है, कहां से इसका ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या क्या संपर्क है, और किस तरह से इसकी पुष्टि हुई है, सारी बातें मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी एक खबर अभी आज की कि सुबह दो मामले जल्दी में ही बिलासपुर में आए, जबकि बिलासपुर अभी तक इस संक्रमण से बचा हुआ था। पर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिलासपुर में जो ये मामले आए हैं, ये बाहर से आए हैं, ये बाहर से ड्राइवर थे जिनको, और एक गुड़गांव से और एक अहमदाबाद आई थिंक से बिलोंग करते हैं, ये दोनों ही पेशेंट यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, जैसे बिझड़ के लिए पहले लोग पूछ रहे हैं, बिझड़ की रिपोर्ट जो है वो जो अभी तक नहीं आई है, जैसे कि अभी सुबह भी मेरी बीएमओ साहब से बात हुई, उन्होंने ये कहा था कि अभी जो पहले संपर्क की रिपोर्ट्स थी वो नहीं आई है, तो हम अब इसको ऐसे ही मानते हैं कि ये रिपोर्ट अभी नहीं आई है। बहरहाल इसको लेकर अभी और क्या बात है, किस तरह से है, वो हम समय के साथ करते जाएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ में नई एक जानकारी अपडेट करने के लिए दिनेश जी हमारे साथ लाइन पे हैं। दिनेश जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे कांगड़ा में जो केस आया उसको लेकर? जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। एक बात बहुत अपडेट है कि कांगड़ा के लिए बहुत बुरी खबर है ये। जी जी, शाहपुर से जो 25 वर्षीय लड़का था जो दिल्ली में कोरियर बॉय का काम करता था, जी, जो 29 अप्रैल को आया था और 8 मई को इसका पॉजिटिव टेस्ट क्लियर हो चुका था कि पॉजिटिव है। जी, आज उसकी ही बहन का टेस्ट जो है पॉजिटिव पाया गया है, ये उसकी लेकर इसका सैंपल लिया गया था और आज इसकी जो पुष्टि हो गई है तो ये जो है पॉजिटिव पाई गई है। जी जी, इसके लेकर, इसको लेकर कोई और चीज जानकारी आप इसके जो खबर की असली तह तक कोई चीज है वो इसमें कोई आपको लगती है बताने के लिए तो आप बताएं, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी लोग। सर
सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़का ये दिल्ली से आया हुआ लड़का था ये जी, और लड़का दिल्ली से आया हुआ था, इसी वजह से जो है अपने घर में क्वारंटाइन करवा दिया था और उसके बाद इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। जी मैं दिनेश जी यहाँ आपको एक बार रोकना चाहूंगा। मैं यहाँ पर जो होम क्वारंटीन की पॉलिसी गवर्नमेंट की है, जिसको लेकर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि होम क्वारंटीन का जो भी पॉलिसी सरकार ने बनाई है उसके अंदर बहुत सारी कमियां पाई जा रही हैं, क्योंकि होम क्वारंटाइन की वजह से ही देखिए एक परिवार की एक लड़की और संक्रमित होगी। तो अभी जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं, सरकार उसको लेकर क्या निर्णय ले रही है, क्यों सीरियस नहीं हो रही है? क्योंकि अगर इस तरह से होम क्वारंटीन में लोग आएंगे और उनकी वजह से लोग संक्रमित हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये मामले और बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आज बिलासपुर में भी सुबह 2 मामले आए जिनको क्वारंटीन किया गया था बिलासपुर नाके पे, और उसके साथ साथ में रात को गलोड़ में लड़ा में एक केस आया जो कि दिल्ली से ही जुड़ा था। तो दिल्ली से जितने ये केस हैं इनको लेकर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा यहाँ पर एक बड़ा सवाल मैं खड़ा करना चाहूंगा, मैं दिनेश जी को भी अभी जल्दी वापस बुलाऊंगा। जो कल पोंटा साहब में एक महिला का रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आया, उसके बाद में उस रिपोर्ट को फिर दूसरे लैब में नेगेटिव डिक्लेयर किया गया, इसके बीच में ये टेस्ट पर भी सवाल खड़ा होता है कि ये जो टेस्ट किए जा रहे हैं इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आखिर कौन इसको तय करेगा कि ये सही है और ये गलत है? दिनेश जी मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि आपने इसकी पहले पूरी पुष्टि की थी कि ये जो पोंटा साहिब वाला केस था इसमें पहले पॉजिटिव केस आया था लेकिन बाद में ये फिर नेगेटिव बताया गया, पूरी घटना बताएं हमारे दर्शकों को। जी जी सर, जो सिरमौर के पोंटा साहिब का केस था सर, गौनपुर की लड़की थी, वो फार्मा कंपनी में काम करती थी गौनपुर में जी, और ये लड़की उत्तर प्रदेश की लड़की थी जी। तो सर इसका जो है 4 मई को जो था इनके ही एम्प्लॉय सभी एम्प्लॉय कंपनी ने इनकी कंपनी सभी एम्प्लॉय का टेस्ट करवाए थे जी, तो उसमें एक लड़की ये पॉजिटिव पाई गई थी। ये जो है गुड़गांव में करवाया गया टेस्ट था, ये जी गुड़गांव में एक निजी लैब से टेस्ट करवाया था और उसके बाद ये पॉजिटिव लड़की फर्स्ट केस में जो पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद इसको नाहन कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया जी हॉस्पिटल में जी। तो उसके बाद दोबारा से इसका सैंपल भरा गया और कसौली भेजा गया CRI लैब में जी, जो हिमाचल सरकार की गवर्नमेंट लैब है उसमें भेजा गया था, तो वहां पर इसका नेगेटिव आ गया जी। तो एक बात यह है कि जो इनका काम करने के जो लेवल है एक बराबर लेवल काम करती है, CRI लैब भी और जो गुड़गांव की निजी लैब थी एक लेवल में काम कर रही थी जी जी। तो दोनों एक मामला ये है, विषय सबसे बड़ा प्रश्न है कि दोनों का रिपोर्ट एक जैसी आती थी, एक यहाँ पर कैसे एक ही नेगेटिव आई और एक ही पॉजिटिव आ चुकी है? ये बड़ा प्रश्न दिनेश जी मैं रोकना चाहूंगा आपको एक मिनट के लिए, आप बने रहिए। ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरह से ये लैब में जो टेस्ट किए गए, चाहे वो निजी लैब थी या गवर्नमेंट लैब थी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, तो क्या ये कोरोना संक्रमण को लेकर जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करता है? और दूसरी तरफ मैं इस प्रश्न पे इस तरह से भी आना चाहूंगा कि जैसे कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें कि अभी हमीरपुर में भी थोड़े दिन पहले 2 केस आए थे, अगर हमारे दर्शकों को जानकारी हो कि वहां पर भी वो टेस्ट जो थे वो पॉजिटिव आए थे, लेकिन उनकी ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी और उनके संपर्क में आए हुए कोई भी व्यक्ति के टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, तो क्या ये प्रशासन का फेलियर है या फिर ये जो टेस्ट किए जा रहे हैं इनके अंदर कोई गड़बड़ हो रही है या फिर सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि कौन सी लैब में कहां पर क्या टेस्ट कराने हैं? ये बड़ा प्रश्न हमारे बीच में। दर्शक जो जितने भी देख रहे हैं इनको भी इस प्रश्न को समझना चाहिए कि जब हमीरपुर में कोरोना पॉजिटिव टेस्ट डिक्लेयर किए गए थे तो उनके संपर्क में जो लोग आए उनमें से एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आया, तो क्या ये प्रश्न खड़ा नहीं करता है टेस्ट करने की जो पद्धति है उसके ऊपर? और क्योंकि अभी मैं दूसरे एग्जांपल पे आपको लेकर आता हूं, जो बिझड़ में डुढ़ार में एक लड़का जो कोरोना पॉजिटिव आया है उसके संपर्क में ही कांगड़ा का एक युवक जो है वो आया है, तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि जो युवक कांगड़ा में है वो बिझड़ के लड़के से थोड़ी देर मिला है और अगर वो उसके साथ संक्रमित आ सकता है, तो अब जो बाकी रिपोर्ट्स हैं या फिर जो जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उनके अंदर ऐसी क्यों चीज नहीं आ रही है
हालांकि ये रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं, लेकिन जैसे कि मुझे ये जानकारी मिली है कि जो यहाँ पर बिजड़ में संक्रमित युवक था उसके साथ में जो पहले प्राइमरी कॉन्टेक्ट में कुछ लोग आए थे जिनके सैंपल्स टांडा मेडिकल कॉलेज में भी भेजे गए थे, जो कि यहाँ पर एक डॉक्टर हैं उनके बेटे की वजह से वहां जाना पड़ा, तो वहां पर पता लगा कि उन्होंने उसके सैंपल्स किए थे, तो वहां पर उनके सैंपल नेगेटिव आए। हालांकि उनके सैंपल नेगेटिव आए, लेकिन यहां से जो उनके सैंपल गए हैं उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, ये हमें बीएमओ द्वारा भी जानकारी दी गई है। तो इसके अंदर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर उस प्राइमरी कॉन्टैक्ट के सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं तो उसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट का जो सैंपल था वो पॉजिटिव कैसे आया? तो क्या ये कोरोना वायरस फैलने का जो सिस्टम है ये अलग अलग है, इसको अभी तक हम साइंटिफिक तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या तरीके हैं, किस तरह से ये फैलता है, ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर है। और क्योंकि होम क्वारंटीन की पॉलिसी को लेकर बार बार हम सवाल उठा रहे हैं, तो इसको लेकर हर व्यक्ति भी इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन मैं दिनेश जी यहाँ ये समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि ये आखिर क्या ऐसा लगता है कि आज जो लड़की संक्रमित हुई है ये उसके भाई की वजह से संक्रमण की वजह से हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं कई जगह पर वो इस तरह से नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या आप वहां पर कुछ पता कर सकते हैं किस तरह से ये किसी से आपकी बात हुई हो या इस पे चर्चा हुई हो? जी सर, अभी तक तो इसका पूरा पता नहीं लग पाया, पर अभी कंफर्म कर रहे हैं, पूरा कंफर्म करवा रहे हैं। और जहां तक बात की जाए तो ये जो बात की जा रही है तो ये भाई के ही संक्रमित होने की वजह से जो है इसकी पुष्टि हुई है, भाई के ही साथ मिली हुई थी लड़की और किसी के साथ इसका कहीं भी और कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था। जी जी, तो जब इसका भाई आया था अपने भाई के साथ ही मिली थी, उसके बाद और किसी के साथ नहीं मिली हुई है, परंतु इसके घर में और भी परिवार में लोग हैं, उनके भी सैंपल लिए गए हैं, अभी उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जी जी दिनेश जी, दिनेश जी मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कि एक दिनेश जी ने बताया कि ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट में लड़की थी और इसके सैंपल लिए गए और ये पॉजिटिव पाई गई हैं, ये बड़ा अब विषय थोड़ा सा निकल कर आता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 3 दिनों में जो लगातार मामलों में वृद्धि हो रही है, हालांकि बहुत सारे सैंपल्स गए हैं कल, जैसे कि बताया है कि लगभग 585 के करीब सैंपल जो हैं वो नेगेटिव भी आए हैं अब तक जितने गए थे, लेकिन 109 के करीब सैंपल जो हैं वो अभी आने बाकी भी हैं, तो उनमें से ही शायद ये सैंपल एक हो सकता है। मैं दिनेश जी से बात करना चाहूंगा, तो ये जो सैंपल दिनेश जी आज आया है, लड़की का रिपोर्ट आया है, तो क्या ये रिपोर्ट भी जो कल सैंपल्स गए थे उन्हीं में से आया है? जी हाँ जी सर, उन्हीं सैंपलों में से आया हुआ है। जो 109 सैंपल्स बचे हुए तो उनमें से ये रिपोर्ट आई है? जी सर, उन्हीं में से रिपोर्ट आई हुई है, ये जो कल बचे गए थे सैंपल रह गए थे, 109 सैंपल बचे हुए थे उनके ही बीच में रही हुई थी ये, उसमें से रिपोर्ट आई हुई है अभी तक ये। जी, और बाकी रिपोर्टें आ रही है अभी तक। जी अच्छा, ये गुड़गांव की जो एक प्राइवेट लैब थी। जी सर, और बताऊंगा कि कांगड़ा में जो एक ही केस का बचा हुआ सैंपल था और यही केस का बोल रहे हैं कि यही एक सैंपल था, उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ गई और यही सैंपल एक कल बचा हुआ था। अच्छा, कुल कल जो सैंपल्स थे कांगड़ा में, आई थिंक 26 सैंपल गए थे, आई थिंक कांगड़ा में कितने सैंपल गए थे कल? जी नहीं सर, मैं बताना चाहता हूँ 74 सैंपल गए थे। जी, उसमें से 73 नेगेटिव पाए गए थे। ओके, कांगड़ा में 74 में से 73 जो थे वो नेगेटिव पाए गए थे, लेकिन एक ये सैंपल पॉजिटिव आया। जी जी सर। जी, मैं यहाँ पर दिनेश जी, जो गुड़गांव में लैब है जिसमें ये टेस्ट हुए हैं जो पोंटा साहब वाला, इस लैब का नाम आप बता पाएंगे, क्या नाम है इस लैब का? नहीं सर, अभी तक इस लैब का कंफर्म नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हम आपको इसका भी अपडेट देते रहेंगे, पूरा कंफर्म कर लेते हैं, पुष्टि कर लेते हैं कौन सी लैब, अभी तक इसका पूरा पता नहीं लग पाया है। जी कोई नहीं, यहाँ पर किसी ने इसका जो है सरकार जो अभी तक इनके नाम जो है छुपा कर रख रही है, नहीं बता रही है, कुछ एक नाम जो है सरकार नहीं सामने ला रही है। जी, फिर भी हम इसकी कोशिश करेंगे पता लगाने की। जी जी दिनेश जी, आप बने रहिए। तो ये कुल मिला के अब अगर हम पिछले 2-3 दिनों को देखें, तो पिछले 2-3 दिनों में काफी एक हिमाचल प्रदेश के अंदर एक गहमे गहमे सी होगी है। अब ये जो केसेस आ रहे हैं ये ज्यादातर बाहर के ही केसेस हैं, बाहरी राज्यों से ही, खासकर दिल्ली के ही ज्यादा केसेस हैं, क्योंकि जितने भी कल तक 8 केस दिल्ली के आए हुए थे, 8 जो थे, आज जो ये केस है ये भी उन्हीं की वजह से संक्रमित हुआ है। तो अभी जैसे बिजड़ की बात कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बिजड़ के केसेस का क्या हुआ, तो उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है,
वो हो सकता है कभी भी रिपोर्ट आ सकती है बीएमओ साहब से। अभी भी थोड़े देर पहले बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि अभी ये रिपोर्ट्स जो है वो आई नहीं है, जबकि कुछ चैनल्स के माध्यम से रात को ये बताया गया था कि बिजड़ की ये सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए हैं या जितने भी प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए थे। लेकिन जो 109 के करीब सैंपल्स बचे हुए थे, आई थिंक उसमें अभी बिजड़ के सैंपल्स बचे होंगे। हालांकि इसकी पूर्ण रूप से ये पुष्टि नहीं हुई कि बिजड़ के कितने सैंपल्स आ चुके हैं और कितने रह गए, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे उनके साथ जो लोग थे उनके अभी तक जो हॉटस्पॉट में हैं उनके अभी रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। ये बात बीएमओ साहब ने भी स्वयं में पुष्टि की है। तो अभी आप सब लोग बने रहिए इसी तरह से, और क्योंकि अभी ये लगातार ये सब चीजें चलती रही हैं, जैसे कि आज बिलासपुर की घटना सामने आई, कांगड़ा की आज सामने आई, ये बड़ा चिंता का विषय है। लोगों को बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा और प्रदेश सरकार को जरूर यहाँ देखना पड़ेगा कि जो दुकानों को खोलने का 7 घंटे का समय दिया गया है उसको लेकर भी स्वयं दुकानदार पॉजिटिव नहीं है। वो खुद ये कह रहे हैं कि इतनी देर दुकानों को खोलने का हमें कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ग्राहक जो है वो हमें और भी ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि एक एक करके ग्राहक आ रहा है। तो फिलहाल ये जो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की पॉलिसी है, इसको लेकर प्रदेश सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए, ताकि जो ये समय बढ़ा हुआ है इसमें जो लोग बार बार आ रहे हैं, ज्यादा जो लोगों का बीच में आना जाना लग रहा है, इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ा हुआ है। तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से बने रहिए, और हमारी न्यूज़ को अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे पेज को प्लीज़ लाइक कीजिए, और हम इसी तरह से प्रयास करते हैं कि आपको छोटे छोटे अपडेट्स समय पर देते रहें, और आप सबका प्यार इसी तरह से बना रहे। आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, और आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अपडेट नया होगा जल्दी ही आपके बीच में दोबारा आएंगे। थैंक यू वेरी मच।